अस्सलामुअलैकुम, मैं अजय आयान से हुमायूं सावर साहब ने कह और छोटी सी वीडियो मैं तैयार करी छोड़ो तुसे क्या स्ट्रॉबेरी लाई नहीं इन्हें बड़े मेहनती नौजवान दे और मैं तुसे पहले आया था कि मैं इन्होंने इंटरव्यू जड़ा ना जरूर इंसान और ऐसे इस सिलसिले में आया ना और इन्हें बड़ी मेहनत की थी जी स्ट्रॉबेरी दी ना सर ए जड़ा ना इसना जी जी मैं आने सुना कि ए स्ट्रॉबेरी ये थी कि यो में 15 सीडलिंग बचे हैं इसमें 15 थी जो मल्टीप्लाई हुई थी यो कोई 200-300 बनी है 200-300 अच्छा फैल नहीं जुल्ले जो फैल नहीं यो पौधे नहीं है तरह फैलने जिस तरह सड़ा पौधे ना फैलाना है हम देखा है इसने टाली है नहीं टाली अच्छी तो जमीन आगे लग सी इतने किसान ने आप हाई टू नहीं 4 फुट या 5 फुट लेकिन ऐसे खीरे के 30-35-40 खीरे लगने आ जाइए इसकी लगे हैं तकरीबन 1 महीना का कितने खीरे लगे ने मतलब मैं एक दिन कल काउंट करना से उसके 12-15 खीरे लगे ने ऐसा है ना इसकी हाइट मैक्सिमम बस 5 फुट होनी अब इतना छोटी नहीं है सब खीरा लगाना बस ये लगाना है मर्ची नहीं बेथल जोड़ी नहीं ये मर्ची नहीं बेथल दी जो मैं कुल 3-4 बेथलों से जुड़ी हूं मैं ओहो आई मैं भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं रेस मैं भी नहीं के इन्हीं के दरे एक चाक चार ओहो माशाल्लाह बंजो से जड़ा नहीं दियो मर्ची नहीं बेथल नहीं करने रहे अच्छा अच्छा टमाटर दा एक है टमाटर दा जी साइज से जंटा इस टमाटर दा नाम दा है बेलूनी इस बेला के ने 15 से 20 किलो टमाटर लगी सकने क्या बात है जी और जिस तरह तुसे देखा ना खीरे ना से जाल बनाया ना सेम टू सेम इस तरह टमाटर ना जाल भी बनसी तकरीबन इसने बेलचना शुरू होसी ना इसकी आ साइड ऊपर जाल देना उस ऊपर शिफ्ट करे छने फिर इसी जे टाली जड़ी दी ना इसने वाली टाली कपी दे वापस लाने जमीन आई टाली भी इसना 80% फल देनी अच्छा फल ना क्या बात है जी ए मिर्ची नहीं बेथल दी हां जी टमाटर दोस्तों दिया मिर्ची नहीं बेथल छोड़नी हुन यार काज नहीं यार ने एस ट्रे भी छोड़ी ने पढ़नी आई टू नहीं तकरीबन इस वाटर कितने आई टू नहीं 14 फुट कलम है इस दीवारा का इसकी मैं जरा तागे का ने ऊपर फासो इस तरह एक जाल बना सो से दिया ऊपर के लिए अच्छा 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 स्ट्रॉबेरी कैसी है स्ट्रॉबेरी कैसी है स्ट्रॉबेरी बड़ी जबरदस्त है ना बल्की पे जी मैं ए तो खैर बाद ही लग सी ते ए भी नहीं सोखते ए मैं तुसे क्या लेकिन गोभियां ने की लग भी सकना मैं की गोभी ने से बूट के लग भी करी बस वो भी दे छोड़ा वो भी दे छोड़ा मैं नहीं दे छोड़ा बस ए तुसे करा जड़ा लो रहा रोड पक्की हुई अच्छे ये देख काफी कम है ठीक है साला भी इस साल गोभी की जगह थोड़ी सी लाइन थी इस साल वो तो बेक मकसद ने बेकरी को खेत एक दर्ज तक गुलज में लटा शायद सब ने कह रहे को लगे ਉੱਥੇ ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਭੀ ਲਈ ਇਹ ਬੀਜ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੂਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਈ ਅੱਛਾ 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 ਇਹ ਬੂਟ ਕੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਬੀਜ ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਛੋੜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਚੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਚੀ ਨਹੀਂ ਬਿੱਥਰ ਬੰਦਾ ਛੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਛੋੜੀ ਸੀ ਬੂਟ ਦੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋ ਬਾ ਗੁੱਲ ਗਿਨ ਰਹਾ ਨਾ ਓ ਯਾ ਨੁਸਰਤ ਲਾਣਾ ਭਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
अच्छा ओ बड़ा बड़ा पुराना दोस्त। बिल्कुल सर्दियों से भी ज़्यादा फिर काम कर। एक राम गोभी। एक गोभी दिया ना। ये पहले पनीरी छोड़ी क्या? जिस तरह से मिर्ची नहीं बिथल तैयार कर रहे हैं ना, मैं एसोसिएट इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया था पॉलिटेक्निक विच 3 इयर्स। अच्छा उसकी ग्रेजुएशन की थी। इस फसल अच्छा क्या तुसे नो शौक चढ़ा इस काश्तकारी ने मतलब इस फसल ना काश्तकारी ने अच्छा ना जरा शौक था यो कोई 2-3 चैनल देख खुद का फिर तहरीक दी लियाकत साहब मंग वाले कोई उन्हें कने एक दो मुलाकात हुई कुछ उतना भी अवेयरनेस हुई फिर मैं करने लगा इस स्टेप ए आलू दा आस्ता आस्ता पे माना बड़ा ना वो क्या लगा लो गोभी है लेकिन यो सारा से भी गोभी है लेकिन लेकिन वो बाद में लाया था। अच्छा वो कोई इसको 15 दिन बाद ना लगाना। अच्छा उमई हूँ भाई एसोसिएट कंप्यूटर इंजीनियर दे और इन्हें काफ़ी काम किया ना उमई हूँ भाई बड़ी हिम्मत थी बड़ी कोशिश थी तुमने और अल्लाह तुसे किस मकसद की कामयाब करे तो उसका अच्छा कितनी गोभी तैयार हो सकनी 300 मन तक 250 से 300 मन ऐसे कोई 4 कनाल ऊपर गोभी ना कम किया ना और 250 से 300 मन टारगेट 250 से 300 मन तैयार हो सकनी मतलब इतना इन्होंने टारगेट था आलू दे इस फसले उस फसले भी गोभी थी लेकिन वो थोड़ी लेट लगी और इन्होंने एक खेत यानी इन्होंने पार उस तरफ पार भी कोई खेत थे जिसे गोभी लगी नहीं और मुख्तलिफ किस्म दी सब्जियाँ लगी नहीं बस ठीक है। अच्छा क्या आने तुस एमए इंटर क्रॉपिंग आपने जी थूम ही थूम लाया था इस बीच आलू भी लाए ने और उन्हें सिज में मक लाई छोड़ी मक भी लगी है इस बात गोल्ड मार्क में जो ही मैं थूम पड़ सुना दे तब तक मरी मक 4 इंच 5 इंच हो ये सी उसके बाद ये है कि जो थूम नहीं मट्टी हो सी थोड़ी थोड़ी मक्का गोल गेसी उठ दे जो ही मैं मुड़ी मक्का जब मरी जमीन है उसी दरमियान में थूम लाई छोड़ सो दो त्रे फसलों ठीक ठीक मैं यूं भाई ने देखा कि आले नहीं है लगी नहीं और जुई जो आलू पटनो ले तो ऑटोमेटिक के मक मक्का पर जड़ा ना मिट्टी चढ़ी गई सी यानी एक डोगे चा दो फसलां उठिए लिए और ये बहुत बड़ा काम था जी और इसकी ऐसे सारे नौजवानें मिली इस पर कोशिश करनी चाहिए कि सारे मिले काम करो ए उमयू भाई मैं अपने दुई जगह दुई जमीनों पर ही नहीं आए जिते लंबा खेत गोभियां ना लगाना और उमयू भाई ना ये यकीन था और इन्होंने यकीन की मैं सलाम पेश करना है कि अगर इस तरह सारे लोग मेहनत करें तो पाकिस्तान में आज सब्जी नहीं अच्छी सकनी इतना मुकामी तौर पर अस तैयार करी मार्केट भेजी सकने और हुमायूं भाई ने नक्शे कदम पर अस सारे नौजवान चलना चाहिए तो मैं नौजवान नस्ल लेकिन पहले हूँ अस तो बुढ़े हुई हाँ लेकिन नौजवान नस्ल क्या हुमायूं भाई एक आइडियल दे और उन्होंने इस मेहनत की इस काविश की मैं सलाम पेश कर रहा हूँ कि उन्हें अपने ज़मीन की
बंजर नहीं छोड़या, देखा नहीं रखा। और मैं अपने आपकी फेरे क्या तफरी किते क्या नहीं रखा, बल्कि उन्हें अपनी मेहनत और अपनी काबिश थी, और अल्लाह ताला यकीनन मेहनत करने वाले की जरूर नवाजना। या देखना यह सूरत थी अल्लाह ताला ने जरा रिटर्न जरा देना अल्लाह मेहनत। बहुत शुक्रिया, मैं सलाम पेश करना तुसे और ये मेहनत जारी रखा। ये भी इतने भी लग सी, इस जगह भी लग सी, इतने मक लगी नहीं, अच्छा इतने मक लाई नहीं। उमायूं भाई यकीनन तुस बहुत बड़े शाबाश और बहुत बड़ी अप्रीशिएट कर दिया तुसे की ते तुसे। इस तो अलावा तुसे ना और मतलब क्या चाहने कि क्या है, मतलब ऐसे लोग क्या करना चाहिए ना नौजवानों की नस्ल की जरा कोई ज्यादा है या कोई पैगाम देने चाहे। देखा ना कि ऐसी जरा 30-40 साल पहले सारा कि अपने घर च पैदा करने से आज ये कि अगर दो दिन पत्ने ना पुल जरा ना बंद हो जाए किसी वजह करने या कोई और मसला हो या सारे फिक्र ऐसे है कि अपना शामी नहीं अंडी नहीं पकाई सकने दियो जो गोभी दी ना गोभी दी फुल मिलाने से बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखा, अल्लाह तुसें की सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।